नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। कांग्रेस नेताओं ने पुलवामा के आतंकी हमले में मारे गए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रभाष शेखर ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। पड़ोसी देश हमारे देश में आतंक फैलाना चाहता है। इस दुखद समय में कांग्रेस शहीद जवानों के परिवारों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शहीदों को शांति प्रदान करें और उनकी शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता। न केवल कश्मीर के लिए बल्कि हमारे पूरे देश के लिए बहुत दुखद दिन है। रात को कल कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। उस हमले में हमारे देश के और हमारी सेना के 44 जवान शहीद हुए हैं। आतंकवादी हमले की जितनी अधिक से अधिक निंदा की जाए वो कम है। यह दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी देश हमारे प्रदेश में आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में आतंक फैलाना चाहता है। आज समूचा देश और उसके साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस दुखद क्षण में उनके परिवारों के साथ हैं। हम उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे। उन शहीद जवानों के परिवार को हम सांत्वना प्रदान करते हैं और उनका जो शहादत है उसको ये देश कभी भूल नहीं सकता है। मध्य प्रदेश के भी एक हमारे जवान श्री अश्विनी ने शहादत दी है। ये भी हमारे प्रदेश के लिए, हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए दुखद घटना है। हम उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी जवानों ने जिन्होंने श्रद्धांजलि जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो इस देश के अमर शहीद हमेशा रहेंगे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।